Hi guys, this is Jiyar and you are watching Work at Our Job Helpful. Friends, room, खाना free वाली job आपके लिए काफ़ी time से जो है calls और messages आ रहे हैं कि सर free वाली job बताइए जिसमें room, खाना की facilities हो। ये job उन लोगों के लिए है। तो guys, job का update देने से पहले अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लें, बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि नई नई अपडेट आप तक जो है जल्दी पहुंचे, और वीडियो पसंद आने पर शेयर कर लें और कमेंट्स और लाइक जरूर कर लें। गाइस, वही बंदा अप्लाई करे, वही बंदा कॉल करे जिसको काम की ज़रूरत है। एक और बार, क्योंकि टाइम पास करने के लिए कॉल ना करें, आ जाता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, सर गाड़ी में बैठता हूँ, वह सब ये काम यहाँ नहीं चलता है। फ्री वाली जॉब है जिसमें खाना पीना रूम सब कुछ फ्री मिलता है। तो फ्रेंड्स, जॉब है आपको बिस्किट फैक्ट्री में, बिस्किट फैक्ट्री में हेल्पर की ज़रूरत है, लड़के लोगों की ज़रूरत है। अब इसमें एज लिमिट रहती है 18 से ऊपर, अगर आप 18 के ऊपर है तो आपके लिए है ये जॉब। और लास्ट एज लिमिट रहती है इसमें 35, 18 से लगाकर 35 साल के लड़के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टाइमिंग रहता है इसमें जनरल शिफ्ट, मॉर्निंग 9 से 5 लगा दो या फिर 10 से 6 लगा दो। जनरल शिफ्ट जो रहता है वो 9 आवर्स का ड्यूटी रहता है, 9 आवर्स में से 1 आवर आपका जो है खाने पीने का लिया जाता है, 8 आवर्स जो है ड्यूटी आपकी काउंट होती है, तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। सैलरी रहता है इसमें 11,000। यस, अभी 11,000 जो है आपका पूरा काट कुट के है, काट कुट के बोले तो टोटली सैलरी आपका जो अब वो 14 to 15 आती है। इसमें आपका जो ESIPF का, रूम का, खाने का, जो भी XYZ मिला के समझ लीजिए आप, तो सारा कट कुट के खा पी के आपको 11,000 रुपये आपके अकाउंट में कंपनी देती है, आपके हाथ में 11,000 रुपये सैलरी देती है। तो फ्रेंड्स, 11,000 सैलरी है, खाना पीना रूम सब कुछ फ्री है। लैंग्वेज इसमें हिंदी, कन्नड़ा या असमी, बंगाली, बिहारी, कोई भी रहने दो, सभी लैंग्वेज इसमें चलती है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ लड़के लोग, नॉट ए फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए इस काम के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदी वालों के लिए 11,000 सैलरी में रूम, खाना फ्री सब कुछ, और काम है इसका बिस्किट फैक्ट्री में है, और डेज रहता है उसमें 26 डेज या 26 दिन आपको काम करना पड़ता है। हफ्ते का एक छुट्टी रहता है कंपनी की तरफ से, वीक ऑफ जिसको बोलते हैं, संडे संडे, वो वीक ऑफ संडे संडे कंपनी की तरफ से मिलता है आपको 26 दिन का। और इसमें जो है ओटी मिलती है, ओटी बोले तो ओवर टाइम। अब इसमें ओटी में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन ऐसे है कि अलग अलग जो है काम में अलग अलग ओटी काउंट होती है, फैक्ट्रीज हुआ, गारमेंट्स हुआ, बाकी जो ऐसे काम्स होते हैं लाइक ऑफिस हुआ, तो इन सब कामों में जो पर आवर के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से ओटी काउंट होती है। और लाइक सिक्योरिटी का काम हुआ या फिर फील्ड वर्क हुआ या फिर आपका अपना कोई बड़ा बड़ा ऑफिस हुआ, इन सब में ओटी काम आती है दिन के हिसाब से। जैसे कि आप सिक्योरिटी में काम करते हैं तो नाइट का ड्यूटी मिला आपको, नाइट कंटिन्यू करते हैं तो डे में मान लो कंटिन्यू आप वापस 3 दिन करते हैं तो उसको ओटी बोलते हैं। या फिर उल्टा ले लीजिए, फैक्ट्री में काम करते हैं आप, 8 घंटा काम किया, घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा करवा दिया आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम, तो उसको ओटी बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सिक्योरिटी लाइन में दिन के हिसाब से ओटी मिलती है और फैक्ट्रीज लाइन में आवर्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से आपको ओटी मिलती है। तो ये हो गया क्लियर आपको ओटी का। तो इसमें ओटी भी रहती है, अब ओटी फिक्स नहीं रहती है, मैं आपको बोलूँगा कि ओटी कंपल्सरी जो है देती कंटिन्यू आपको ओटी मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओटी रहती जरूर है। ओवर टाइम, ओटी बोला तो ओवर टाइम, एक्स्ट्रा ओवर टाइम, जो आप 8 घंटे का ड्यूटी रहता है ना उसको छोड़ के कंपनी जो आपसे एक्स्ट्रा काम करवाती है 1 घंटा 2 घंटा, उसका वो एक्स्ट्रा पेमेंट देती है। और वो एक्स्ट्रा पेमेंट कितना रहता है कि जितना आपका सैलरी रहता है उस सैलरी को डिवाइड कर लीजिए 30 डेज से, उसके अकॉर्डिंग जो 1 घंटे का टाइम का जो आपका पैसा निकलता है उसका डबल आपको ओटी मिलता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी इस जॉब के लिए अप्लाई करें। जो जो बंदा आना चाहता है आउट ऑफ स्टेशन से, वो मुझे
अपना डॉक्यूमेंट शेयर करें, एक आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, कितने भी आदमी रहना दो, रिक्वायरमेंट है। और ये जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी फिल होने वाली है, जल्दी ही पूरी होने वाली है। फिर आप मुझे जो है ये वीडियो 3 महीने बाद देखेंगे और बोलेंगे सर मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि कंपनी में अगर एक बार कैंडिडेट की जो संख्या पूरी हो जाती है, फुल हो जाती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट तभी रहती है जब उसमें जो है ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। नहीं तो एक दो दो तीन तीन आदमी वो अपने से अंदर से जाते रहते हैं, लगते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से अप्लाई करें, जो जो आउट स्टेशन से आने वाले हैं या फिर बंदे जो जो बैंगलोर में हैं और वो काम के लिए इच्छुक हैं, वो बंदा मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स भेजे। डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी क्या क्या रहता है, पैन कार्ड एक जरूरी रहता है, आधार कार्ड आपका जरूरी रहता है, और 2 फोटो ज़रूरी रहता है। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी रहती रहती है। आधार कार्ड इसलिए ज़रूरी रहता है कि आपका बैंक अकाउंट उसमें लिंक होता है, बैंक कार्ड इसलिए ज़रूरी रहता है बैंक डिटेल्स की आपका सैलरी उसमें क्रिएट होता है, और पैन कार्ड इसलिए ज़रूरी रहता है कि इन सब में जो है आपका ESIPF डिडक्ट होता है। तो ESIPF डिडक्ट के लिए पैन कार्ड तो ज़रा ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड्स ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, कॉल करें मुझे, व्हाट्सएप पे अपना जो है अपना डॉक्यूमेंट्स भेजें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर जो ये शो हो रहा है इस नंबर पे मुझे जो है अपना डॉक्यूमेंट शेयर करें। और अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात आप सब लोगों के लिए, नेक्स्ट हमारी टीम बहुत अच्छी अच्छा काम करने वाली है। अच्छा काम ये है कि जो जो बंदा जो हम लोगों का ज्वाइनिंग फॉर्म रहता ना, जैसे आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आपको तुरंत एक जो है मैसेज मिलता है कि इस कंपनी का ये टाइमिंग है, ये ज्वाइनिंग फॉर्म है। जो आप ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करते हैं उसमें सारा डिटेल्स रहता है ना, वो डिटेल्स अब हमारी कंपनी फॉलोअप करने वाली है। आपको अपने घर से, आपके घर से उठा के लेने वाली है। आप लोगों को चल भाई बैठ, क्या कर रहा है, काम कर, चल हम लोगों की कंपनी में तुम्हारे लिए काम है, तुम्हारे लिए जॉब है। तो वो डाटा हम लोगों के पास जो है इतना फील होगा कि अब नेक्स्ट मंथ से हम लोग उसी पे तैयारी करेंगे। उन लोगों को कॉल कर करके, फ़ोन करके के पूछेंगे कि तुमको जॉब की जरूरत है तो तू काम कर रहे भाई, आजा चल हमारे पास ये काम है, इतनी सैलरी है, ये फैसिलिटीज़ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, नेक्स्ट मंथ से हमारी टीम उसी पे काम करेगी। तो फ्रेंड्स जिस जिस बंदे को जो है इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे तुरंत अपना डॉक्यूमेंट्स भेजे, मुझे कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे हाई करके सेंड करें। तो गाइस सब्सक्राइब तो बनता है और वो भी फ्री का जॉब है, तो इस जॉब के लिए, इस चैनल के लिए एक बार तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक जरूर बनता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।